दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। बोलिए क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पतंग नीचे से जाने के बाद भी कट जाती है तो वो पतंग को आप कैसे बचाएं और उस बंदे की पतंग को कैसे काटें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार देर किस बात की। वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन जो दिख रहा है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई से नई वीडियो और नया से नया अपडेट मैं आप तक सबसे पहले ला सकूं। तो आइए चलिए सीखते हैं कि आखिर हमारी पतंग नीचे से जाने के बाद हम इतने ज़्यादा कोशिश करते हैं और फिर भी हमारी पतंगें कड़े आती हैं। जैसा कि मानिए ये हमारी ब्लैक पतंग हमारी है, व्हाइट वाली पतंग दूसरे बंदे की है। जब भी हम नीचे से पतंग ये देखिए, जैसे कि हम जाते हैं और ये अपोनेंट का पतंग, दूसरा बंदा क्या करता है कि ये पतंग ना ही पूरा क्रॉस मारता है और ना ही पतंग को रख कर अंदर की ओर दिखाता है और हमें पूरा मौका देता है और हम अंदर की ओर चढ़ते चले आते हैं। यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम इस बंदे की पतंग के ऊपर चढ़ाकर और हम अब इस बंदे को खींच लेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये बंदा कट जाएगा। तो आखिर हम यहाँ पास ये गलती करते हैं और हम खींचते ही हमारी पतंग खुद ही कट जाती है। तो आखिर इस गलती से हम कैसे बचें? आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप दूसरे बंदे के अंदर आते हैं, यहाँ आने के बाद आप यहाँ रोक लीजिए अपनी पतंग को। रोकने के बाद इस बंदे को तुरंत देखिए यहाँ पास, ये बंदा आखिर क्या कर रहा है। तो ये बंदा जाहिर सी बात है ना ही अगर खींचता है और ना ही पतंग आपके अंदर दिखाता है, अगर ये बंदा सिर्फ ढील देते चला जाता है, गुल्ला यानी कि ढील देते चला जाता है और सिर्फ अकन्ने की ओर चपकाता हुआ चला जाता है और ढील देते बढ़ाता पतंग आगे जा रहा है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पास चढ़ा कर पतंग रुका हूँ और यहाँ खींचूंगा, ऐसे ये यहाँ से खींचूंगा तो मैं इस बंदे को काट दूंगा, तो ये हमारी सबसे बहुत बड़ी गलती होती है। हम यहीं पास गलती करते हैं और हमारी पतंग यहीं तुरंत कट जाती है। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि ये बंदा क्या करता है, जब हम अंदर की ओर घुसते रहते हैं ये बंदा पतंग फेंकते हुए ऐसे ऐसे हमारे मुड्ढे की ओर आकर यहाँ पास डोर को रखकर छुआने की कोशिश में लगा रहता है, छुआ देता है, यानी कि डोर को रखकर गोला गोला बनाकर आगे की ओर फेंकता चला जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमें वो बंदा मौका दे रहा है और हम अंदर की ओर आकर चढ़ाकर पतंग को खींच लेंगे और ये बंदा कट जाएगा। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। हम अंदर आने के बाद यहाँ आकर कुछ देर रुकिए, रुकने के बाद इस बंदे को देखिए ये कर क्या रहा है। अगर ये बंदा ढील दे के पतंग को आगे की ओर फेंक रहा है तो तुरंत आपको सिर्फ एक ही काम करना है, तुरंत अपना मुड्ढा हल्का से नीचे बनाइए, हल्का सा, तो आप चढ़िए नहीं, चढ़ना नहीं है। अगर आप चढ़ेंगे तो ये बंदे को पूरा टाइम मिल जाएगा पतंग फेंकने का, आगे फेंक कर आपके कन्ने की ओर आएगा और यहाँ पास रखकर रोड बढ़ाता हुआ चला जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप कट जाए काट देंगे, जैसे ये खींचेंगे आप तुरंत कट जाएंगे। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको अंदर नहीं आना। अगर ये बंदा आगे की ओर पतंग फेंक रहा है तो आप अंदर मत आइएगा, पहली बात अंदर मत आइए, उसे कन्ने के पास जाइए और जैसे वो पतंग फेंक रहा है वैसे आपको भी पतंग को आगे ऐसे ऐसे गोला करके फेंक देना है। पतंग को आगे फेंकने के बाद आप तो उसके मुद्दे की ओर पतंग अपना बना कर रखिए, देखिए अगर इस बंदे की पतंग के बराबर में आपकी पतंग हो जाती है तब आप देखिए हल्का सा ऊपर की ओर ऐसे बनाइए, हल्का सा ऐसे बनाने के बाद हल्का सा करवट बनाइए कि मुंह की ओर, क्योंकि ये बंदा वहां पास कन्ने पर रखकर आपको ढील नहीं देगा बिल्कुल, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो कन्ने बराबर पतंग पे ढील देगा तो उसकी पतंग तुरंत कट जाएगी और आपकी पतंग नीचे में ज्यादा हवा होने के कारण काट देगी आपकी पतंग। वो बंदा सीधे ही क्या करेगा, या तो वो फिर क्रॉस मारेगा आपको या तो सीधा मारेगा। जैसे ही अगर वो सीधा मारता है तो आपको अपने मुंडे उसके मुंडे की ओर बनाकर रखना, जैसे वो मारता है आपको तुरंत क्रॉस गिरा देना है। और दूसरी बात, ये तो ये क्रॉस हो गया गिराना, और दूसरी बात कि अगर वो बंदा फेंकते चला जाता है और आप भी पतंग फेंक लेते हैं, अगर जैसे ही आप हल्का सा पतंग बराबर हो गई दोनों बंदे की, यानी आपकी और अपने आपके अपोनेंट की बराबर हो गई है, तो आपको सीधा क्या करना, हल्का सा खींच के रोक लेना है। ध्यान दीजिएगा, खींच के रोक लेना है कि ये बंदा क्या करेगा, वो इसकी चाल आपको मालूम हो जाएगी। ये बंदा ढील से कन्ने की ओर आकर फंसा कर लड़ाएगा, ये बंदा कि नीचे आकर मारेगा कि आपकी हाथ की ओर दिखाएगा ऐसे पतंग। तो ये जो भी करेगा वो आपको खींच के जब रोकेंगे तो यहाँ ये अपनी चाल को, यानी कि पतंग को बचाने के लिए या तो आपको काटने की कोशिश करेगा या तो इधर उधर खुरफात कुछ ना कुछ करेगा जरूर, यहाँ से आपको चाल मिल जाएगी। अगर ये बंदा पतंग ऊपर करता है, यानी पेच को हटाने की कोशिश करता है, तो आपको इस बंदे को जाने नहीं देना है सीधा सी, यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये बंदे को पेच हटाने मत दीजिए कि ये बंदा पेच निकाल ले। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो पतंग आपको बाहर की ओर नहीं बनाना है। अगर ये बंदा पतंग
ऊपर की ओर बनाकर सोचता है कि मैं अपनी पेस थोड़ा सा और ऊपर करके हटा लूँ, तो आपको उसके हाथ की ओर पतंग बनाना है और अंदर की ओर घुसते चले आना है। जितना वो ऊपर करेगा उतना पतंग आप उसके अंदर चले आइए। जब पतंग आप देखिए कि हाँ यहाँ काफी गैप हो गया, हमारी दूरी उसकी पतंग और हमारी पतंग के बीच में काफी गैप हो गया है, तो सिंपल सी बात है, एक साधारण सा नियम अपनाना है। जब देखिए कि आप हमारा पतंग अंदर की ओर आ चुका है और ये बंदा हम और उसकी पतंग भी काफी ऊपर है, यहाँ आप अपने पतंग को आगे फेंकते हुए इसे राउंड में घुमाते हुए चुटकी से पतंग ऐसे बढ़ाते चले जाइए और हवे में एकदम पूरा फुल बनाकर रखिए। वो जब आप फुल बनाकर रखेंगे तो ये इस बंदे के पास कोई भी काम नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही काम करेगा वो, यहाँ रखकर या तो पूरा कन्ने की ओर मारेगा, मारता चला जाएगा, या तो ये सीधा एकदम सीधा मुंडा गिराएगा आपकी ओर। ये देखिए एकदम सीधा ऐसे गिराता चला जाएगा और ये बंदा तुरंत कट जाए, क्योंकि भाई आपकी पतंग यहाँ घुसने के बाद आपकी पतंग यहाँ हवे में है। अगर आप नहीं भी खींचेंगे, सिर्फ हवे में बनाकर ठुमकी देते रहे, चुपचिक सहारे बनाएंगे, ये मारेगा ये बंदा तुरंत, ये बंदा कट जाएगा। और नहीं भी अगर इधर भी मारेगा तो आप क्रॉस मार दीजिए, तुरंत कट जाएगा। तो ये हो गए नीचे की पेज। अगर आप इस तरीके नीचे के पेज में रहते हैं और आप गलती करते हैं, तो आप मेरे वीडियो को देखकर सीखिए और मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप मुझे पूरा विश्वास है कि वो बंदा तुरंत कट जाएगा और आपकी पतंग जो गलतियां से कट जाती है वो बिल्कुल नहीं कटेगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे जाकर मुझे कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगली नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं। और भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरीके की नई से नई वीडियो और नया से नया अपडेट और नई से नई ट्रिक मैं आपके लिए हमेशा लाने की कोशिश में रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।